वो अपने बयान से 164 में बदल गई, आप उसको भी देखने में गलत है। बदल कैसे गई, बदल कैसे गई, ये भी बताइए ना। आपको ऊपर की लड़की पॉस्को में कैसे बुक हो सकता है आदमी? श्रीकांत जी प्लीज पत्रकार करिए, आप बताइए ना वो बयान बदल कैसे गई। 2012 का कानून क्या कहता है? 2012 का कानून मैं आपको बताऊंगा ना, आप क्या बताएंगे? आप बताइए, बताइए ना तो अगर नहीं आप मुझे बताइएगा। हाँ मैं बताता हूँ, मेरा स्टूडेंट आप बताइए मुझे 2012 का कानून, आप 2012 का कानून। एक अनिल जी प्लीज उनके कहने पे भटकिए मत। जो आज का डिबेट है वो यही है कि संग्रहालय से नेहरू का नाम हटाया गया है, इसके पीछे की मंशा पे हम बात कर रहे हैं। वो आपको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, बृजभूषण शरण और पॉक्सो वो आज का मुद्दा नहीं है, वो भी एक मुद्दा है लेकिन वो आज की डिबेट का मुद्दा नहीं है। सो लेट्स पुट अनिल जी सॉरी, मैं अब तो एक है कि नेहरू के जीवन शैली के बारे में बात हो गई, एडविना वाले के बारे में बात नहीं करूंगा इसीलिए कि वो बात दूर तलक जाएगी। ये गलत है, आप नहीं नहीं आप पिकर एंड चूजर हैं, आप एडविना पे बात नहीं करेंगे। अरे तो नेहरू के अवैध संबंधों पर आप बात नहीं करेंगे। प्रदीप नहीं नहीं प्रदीप शर्मा का जो वीडियो क्या कहते हैं जो रिकॉर्डिंग्स है वो सुप्रीम कोर्ट में दिया हुआ है कि किस तरह के स्टॉकिंग का मामला, तो क्या वो मामला वो पब्लिक डोमेन में है? एडविना पब्लिक डोमेन में है, एडविना के पहले भरे पत्र और कभी वो प्रेम भरे पत्र और नेहरू वाले एडविना के पब्लिक डोमेन में है। ये सब चर्चा नहीं करनी चाहिए, ये गलत है। आप अपनी तरह से कर रहे हैं, हमने क्या सेलेक्टिव बात कर रहे हैं, आप सेलेक्टिव बात कर रहे हैं, ये गलत है। बताइए आप, आपके पास जब कोई ठोस जवाब नहीं होता तो आप किसी की पर्सनल लाइफ में आ जाते हैं। मैं कह रहा हूँ किसी पर्सनल लाइफ पर बात नहीं करेंगे, इन पर भी बहुत सारी बातें हैं। अगर व्यक्ति वो राष्ट्र का है, अगर वो व्यक्ति राष्ट्र का है, राष्ट्र को समर्पित और देश राष्ट्र तय करेंगे। 140 करोड़ देशवासी को, देखिए इन्होंने मुझे राष्ट्रद्रोही का राष्ट्रद्रोही का दे दिया। देखिए कांग्रेसों की टुकड़े टुकड़े गैंग आप है, कांग्रेसों की सबसे बड़ी परिभाषा यही होती है। वो सुनिए ना, लेकिन अभी एक मिनट, अभी काजू की रोटी के बारे में बताया है ना, अब आगे बताता हूँ कि देश का बंटवारा का मुस्लिम लीग के साथ, मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस ने कभी सरकार नहीं बनाई, आजादी के पहले भी और बाद में भी। वो इंडियन मुस्लिम लीग है जिसके बारे में चर्चा हो चुकी है, मुस्लिम लीग के साथ कोई समझौता नहीं किया कांग्रेस ने, कभी सरकार नहीं बनाई। हिंदू महासभा ने 3 सरकारें बनाई और तीनों मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट में, और जहां वो सरकार नहीं बना सकती थी वहां बनवाई। बंगाल में वो तीनों राहुल गांधी को समर्थन करके जिताने वाला कौन है वो सब नहीं। अरे आप एक मिनट बच्चों पर बात करिए, तीनों चले गए पाकिस्तान में, तो ये है इनका अखंड भारत, और इसीलिए ये इनको कितनी दावेदारी है अखंड भारत पर वो हम लोग सब समझते हैं। दूसरा हो गया, अब आपने नाम का देख ही लिया, कांग्रेस के चचा है, कांग्रेस के चचा है एडविना के साथ, हंसते मुस्कुराते हुए इतना तो मुस्कुराता हुआ व्यक्ति कोई नहीं देखता। अरे कोई स्टॉकिंग नहीं कर रहे थे वो, अब पीछा नहीं कर रहे थे, वो साथ में जा रहे थे, वो पूरी दुनिया जानती है। गलबहिया गलबहिया करते हुए ये तो पब्लिक डोमेन में है, एडविना को उन्होंने कमर से पकड़ रखा है, ये भी गलत होगा। आज का टॉपिक माउंट एडविना और नेहरू का संबंध नहीं है प्लीज। और साथ में सिगरेट पीता हुए, साथ में सिगरेट पीते हुए, क्या ये दोनों का ये सारे फोटोग्राफ है? मैं जो है ये नहीं नहीं एक मिनट मैं आपसे अंत में कमेंट लूंगी, समय पूरा खत्म हो गया, पूरा ढंग से डिबेट नहीं हो पाता है। आप इस तरह से कुमार जी प्लीज मत करिए ऐसे डिबेट को डिरेल। आप एडविना और माउंट बैटन और ये सब चले जाते हैं, आज का मुद्दा क्या था? कोई है नहीं भाई, लॉजिक कर नहीं सकते आप। देखिए ये और एक चीज समझ लीजिए, अनिल जी एक अंतिम कमेंट कीजिए फिर उसके बाद मैं कुमार जी से अंतिम कमेंट ये है कि अभी क्या हुआ है कि कर्नाटका के इलेक्शंस के बाद उनका वो ये सब ज्यादा उनका बढ़ गया है, औरंगजेब की औलाद, उसके बाद वो नेहरू पर अटैक करेंगे। आपको ये आपको नजारे एक साल के अंदर और देखने को मिलेंगे, और इसमें मुसलमानों पर अटैक सबसे बड़ा होगा। ये सब तो समझिए कि हमारे यहाँ बोलते हैं फोरन जिसको बोलते हैं, मतलब तड़का जैसे लगाना, असली जो कड़ी बनेगी वो है क्या कि एंटी मुस्लिम टिरेड जो है आप देखेंगे आने वाले साल में। ये सब जितना बाकी है
लेकिन इसके नतीजे क्या है वो मैं आपको थोड़ा एक दो लाइन में ब्रीफ करना चाहता हूँ। वो नतीजे ये है कि आप केरल से लेकर, मैं आपसे अनिल जी पूछना चाहती हूँ कि ये जो नेहरू का नाम जो सब जगह से हटाने की जो एक कोशिश है, कई लोग ये भी कहते हैं कि मोदी जी नेहरू के बहुत बड़े फैन हैं और वो अपने आप को नेहरू बनता हुआ ही देखना चाह रहे हैं, जिस तरीके का काम किया है, जो स्टेट्समैनशिप उनकी नजर आती थी, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस हो, चाहे वो साइंटिफिक टेम्परमेंट को लेकर उन्होंने बातें की हो, वो बनना नेहरू ही चाहते हैं, लेकिन नेहरू का नाम के साथ वो उनको इनसिक्योरिटी है कि हो सकता है कि लोग उनको नेहरू जैसा याद ना कर पाए अगर नेहरू का नाम नहीं, बना नहीं। मैं मानता हूँ क्या कि ये जो बड़ा पिक्चर है उसको वो उसको आप नहीं देख पा रहे हैं, इसीलिए ऐसा लगता है। ये नेहरू, मैं मानता ही नहीं कि नेहरू बनाम मोदी है, क्योंकि नेहरू बनाम मोदी हो नहीं सकता है। नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखता है, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री लिखता है, उसकी किताबें आप उसके लेटर्स देख लीजिए, हजारों जो है सो कह के सैकड़ों वॉल्यूम में उनके कलेक्टेड वर्ड्स हैं। मोदी जी का कलेक्टेड वर्ड्स आप देख लीजिए, उनकी भी उतनी उम्र हो ही गई, 10 साल और कम होगा जिसमें नेहरू गए,